श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता का नजारा भी देखने को मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खुद बैडमिंटन खेला। वो गोवा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हैं। आपको बता दें कि 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 एक प्रतिष्ठित खेल आयोजन है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एकता और खेल भावना को बढ़ावा देना है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अनऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ बैडमिंटन का, पहला स्पोर्ट्स आज हमने इनॉग्रेशन किया। मेरे साथ में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावड़े जी, बाकी लोकल MLA और बाकी सभी लोग थे। गोवा में सभी जो एथलीट्स आ रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आज से लेकर 9 नवंबर तक एक गोवा में एक स्पोर्ट्स का कल्चर या स्पोर्ट्स इवेंट बहुत बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने सारे एथलीट्स आ रहे हैं वहाँ पे वन नेशन वन स्पिरिट, इसी गोल पे नेशनल गेम्स का थीम रहेगा। डेफिनेटली मैं फिर एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरह का माहौल जो बना हुआ है, एक तरह जिस तरह से गोवा के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, गेम देखने के लिए आ रहे हैं, और गोवा में पूरी जगह पे जहाँ देखो वहाँ पे एक नेशनल गेम्स का फीवर है। डेफिनेटली गोवा के सभी लोग यानी सभी एथलीट्स का और नेशनल गेम्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 26 तारीख को PM हुआ। जी हाँ, 26 तारीख को यहाँ पे PM आ रहे हैं नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए। उस क्षण की राह सभी देख रहे हैं और निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा इवेंट गोवा के लिए रहेगा।